मेरे पास है वीवो Y20, तो मैंने इसके साथ OTG लगाई है, तो ये कनेक्ट हुई है, ना ही मुझे कोई नोटिफिकेशन आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल वीवो Y20 के साथ OTG लगती है या फिर नहीं लगती, और अगर इसके साथ OTG कनेक्ट होती है तो कौन सी वाली सेटिंग को ऑन करने के बाद अटैच होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तो फिर जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनैन और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हाउस। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग के ऊपर। तीसरे नंबर पर अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लास्ट के ऊपर आपको OTG का ऑप्शन नजर आएगा। इसके साथ ही लिखा हुआ है कि अगर आप OTG 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं लगाते, ये ऑप्शन 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। इसे ऑन करने के बाद भला फिर आप पूरा दिन OTG को लगाई रखें तो ये ऑप्शन दोबारा ऑफ नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं लगाते तो ये दोबारा ऑफ हो जाएगा ऑप्शन, हमें इसे दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है और अब हम लगाते हैं अपनी OTG। और जैसे मैं अपनी OTG को लगाऊंगा तो मुझे इसका नोटिफिकेशन भी मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ, वहां पर भी OTG का ऑप्शन आ गया है। तो मैं जैसे अपनी OTG को लगाऊंगा तो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं OTG को उतारूंगा तो ये ऑप्शन चला जाएगा, और जैसे मैं दोबारा OTG को लगाऊंगा तो वो दोबारा USB का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। अगर आपके Vivo Y20 के ऊपर OTG नहीं लगती तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो फिर अल्लाह हाफिज़।